गया बूटकैंप का, मैंने बता दिया गाइस बहुत जल्दी होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बस इतना पता है कि वी हैव डिसाइडेड टू प्लान अ बूटकैंप इन मुंबई में। आपको लोकेशन बता सकता हूँ, मुंबई से अंदर नहीं बता सकता कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कहाँ पे अरेंजमेंट कौन कर रहा है, क्या है, कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होगा, दिस इज ओनली फॉर राइट नाउ, क्या कहते हैं, टेम्पररी होगा। बस इतना जानकारी अभी तक के लिए आपके काफी है। ट्रेलर आपको बता दिया है, आगे की स्टोरी हम आपको मिलते हैं 4 तारीख को बूटकैंप के साथ। 4 तारीख हो रहा है, उसके आसपास बता देंगे ना पूरा, 4 तारीख को भी हो सकता है, मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा, वो मुझे खुद को ही नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊं। तो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक खतरनाक बात। लाइट बंद कर दे। एकदम अंधेरे में बताऊंगा, आप डर जाओगे, फिर एकदम से लाइट चालू कर देंगे। तो अनाउंसमेंट ये है कि चैनल है वो आ गया है। ये किसने गेस किया, कौन है ये? चैनल इज बैक। अब घटिया नहीं बोल सकता, तुम्हें को पता है तो क्या बोल भाई, अमन का चैनल वापस आ गया, चैनल वापस आ गया गाइस। नाचो पहले, कौन कौन नाच रहा है इधर चैट में वो बताओ मुझे। आज ही जो है YouTube से मेल आया है आज, और मैं वही मेल पढ़ रहा हूँ अभी। तो जो है YouTube से मेल आ गया है, अमन का चैनल रिव्यू हो चुका है, और उन्होंने बोल दिया था कि 15 जनवरी को आपका चैनल जो है हाईजैक हुआ था, हमने रिव्यू कर लिया है, और अब हम आपका चैनल को अलोंग विद द कंटेंट, मतलब कंटेंट के लिए भी अभी मेल डालना होगा, अलोंग विद द कंटेंट वो वापस हो जाएगा, वो सारा वापस आ जाएगा। नाचो, कल से वीडियोस रेगुलर, कल से नहीं 2 दिन बाद से, तो क्या कल नीमो, कल शादी नहीं करवाएगा, अपनी बहन की शादी नहीं करवाएंगे। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि कल मैं इनको भी बोला वहाँ पे यार, कल अपन घूमने जाएंगे, कल नहीं भाई परसों, में भूल जाओ कि कल शादी। आज इतने मजे किए ना भाई, यू एक्चुअली लोग शादी में करते, और आज हमने संगीत में बहुत ज्यादा। तेरा चैनल क्या बिटकॉइन वाले को ही था ना? हाँ, वो सबका वही हैकर है, कोई बिटकॉइन की कंपनी, पता नहीं कौन है, हैकर वाली कंपनी है बिटकॉइन की। तो मतलब ये सीन है गाइस कि जो है अगर चैनल हैक हो रहा है तो टेंशन की तो बात है वैसे, पर टेंशन की बात इस वजह से नहीं है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने पूरा इसमें रिसर्च मार रखी है। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ये देखा था कि एक्जेक्टली, मैं बताता हूँ, मैं लाइव में बताना चाहता था ये। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा चैनल कैसे हैक हुआ, और उसके बाद और आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा लाइव पे, बोर हो जाएंगे लोग, किसके पास चैनल नहीं होगा वो क्या करेगा सुनकर। तो मेरा चैनल ऐसे हैक हुआ था, मेरे को ऐसा लगता है कि उसने मेरा लैपटॉप हैक किया था, क्योंकि यूट्यूब को कोई हैक नहीं कर सकता, ये आप जानते, गूगल को कोई हैक नहीं कर सकता, गूगल के पास बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत सारे वेरिफिकेशन ट्रिक्स है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन, और उससे कोई हैक नहीं कर सकता। 2-स्टेप वेरिफिकेशन, हाँ 2-स्टेप था, और मैंने 2-स्टेप में भी सबसे बेस्ट वाला है, जिसमें कोड पेपर पे लिख रखे होते हैं वो डालने होते, जब भी कहीं पे भी लोग बता दो। हाँ हाँ, वो तो उसका ही फीचर है वो, तो वो वेरिफिकेशन था, बल्कि सब मेरा ऑफ था, मेरा मोबाइल पे यस क्लिक करने से नहीं होता है किसी का भी लॉगिन। तो हैक उसने ऐसे किया, उसने उसको डायरेक्ट मेरे यूट्यूब का एक्सेस मिला है बिना लॉगिन किए। वो क्या किया उसने, उसने मेरे लैपटॉप पे एक वायरस छोड़ा, वो पता नहीं कहाँ से आया वो, या फिर मैंने कहीं लिंक पे क्लिक किया होगा तो डाउनलोड कर लिया होगा, वो एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाया होगा, लेटेस्ट वायरस को एंटीवायरस नहीं डिटेक्ट कर पाया था, तो वो बाय थ्रू होके और सीधा मैंने वो सर्विस ऑन हो गई होगी कैसे ना कैसे, मेरे को इतना पता, वो किसी गेम से आई हो सकती है या फिर किसी सॉफ्टवेयर से आई हो सकती है, कोई भी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो अगर आपको काम पड़ता है तो आई थिंक वो वहां से आई है। और उसने विद इन 3 आवर्स मेरे को सिर्फ एक ईमेल आया, वो ईमेल गूगल की बिजनेस की तरफ से था कि यू आर नॉट लॉन्गर बी द ऑनर ऑफ सोलोमन चैनल। और उसने क्या किया, उसने मेरे गूगल क्रोम का जो कैशे पड़े होते, कैशे और कुकीज, जो कि अपन का ऑटो लॉगिन हो जाता है जब अपन गूगल क्रोम खोलते हैं, तो जो लॉगिन पहले से हुआ रहता है तो वो उधर पड़ा रहता है, मतलब लॉगिन आप हो गए हो, तो उसने वैसे एक्सेस किया, उसने मेरे गूगल क्रोम का जो डेटा होता है ना, बैकग्राउंड डेटा, वो सारा उसने ले लिया, और उसने कुछ ऐसा किया कि वो वहां पे बस उसको सिर्फ गूगल क्रोम पे क्लिक करना पड़ा, उसने मेरा अकाउंट खोल दिया उधर, और सीधा मेरा जो चैनल का जो ईमेल है वो तो मेरा बिजनेस ईमेल ही था, तो वो तो उसको पता ही था, तो उसने ब्रांड अकाउंट को सीधा अपने दूसरे ईमेल आईडी पे ट्रांसफर कर दिया। वो वही सेम चीज सारे चैनल्स के साथ हो रही है, गॉड निक्सन का भी सेम हुआ है, मैं 100% श्योर हूँ वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत जल्द उसका भी आ जाएगा। तो मतलब वो लोग किस बेसिस पे ये देखते हैं कि वो तुम्हारा ही चैनल है, वो ये देखते हैं कि मोस्टली लॉगिन कहाँ से हुआ है, ये मोस्टली लॉगिन ही नहीं हुआ ना एक्चुअली ये चीज में, तो कोई लॉगिन का नाम होना चाहिए, उसको एक्सेस ही मिल गया, तो उन्होंने ये कैसे देखा कि ये तुम्हारा ही अकाउंट है, मतलब ये कैसे? देखो आपके चैनल की एक तो लिंक होती है, वो एक लिंक अगर कोई डिलीट भी करता है तो
30 दिन तक कुछ भी चीज यूट्यूब से हटती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप वीडियो डिलीट मार देते हो अपने चैनल से, तो एक यूट्यूब का एक बफर प्रोग्राम है कुछ ऐसा मैंने सुना है, वो बफर प्रोग्राम में 30 दिन तक वो चीज आप मतलब यूट्यूब के सर डेटाबेस से डिलीट नहीं होती, वो रखते, ये कुछ ऐसी चीज हुई होती है तो वो नहीं होती है, तो वो 30 दिन के बाद वो हटती है अगर कुछ एक्शन नहीं होता है। तो अभी उसने मेरी सारी वीडियोज जो है वो डिलीट मारी भी होगी और प्राइवेट कुछ भी करा होगा, तो वो मैं वापस ले सकता हूँ। तो ये चीज होती है। और एक आपका आपको बताइए, आप किसी भी चैनल पे लिंक करते हो तो आपको एक ऊपर लिंक दिखती है जिसमें से कोट्स वाली होती है, वो हमेशा एक चैनल की अलग रैंडम अलग से होती है, वो हर चैनल की अलग अलग होती, तो उससे यूट्यूब को पता रहता है कि ये चैनल जो है इसकी ये वाली लिंक है और वो हमेशा जुड़ी होती है। अगर कोई चेंज भी करता है ना वो लिंक को तो भी वो सेम बात है कि वो डेटाबेस में रहती है, उनके पास सारा हिस्ट्री रहता है गूगल के पास A to Z, थोड़ा तो रहता ही है। और जो अगर वो डिलीट भी करते हैं ना उसको भी पता नहीं कैसे ना कैसे करके रिकवर कर ही देंगे, वो उनका मैनेजमेंट। तो उसके लिए मेरे पास एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में कि आपको अपना चैनल कैसे सिक्योर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरली, बहुत सबकी फटी। गोवा में था उस दिन, मेरे को याद है मैंने मॉडल का भी करवाया, अपना भी करा टू स्टेप, हाँ, और वाइपर वाइपर का तो रेगा का करवाया, सबका करवाया था मैं, वो मेरा भी था। और मेन चीज गाइस टू स्टेप से, ये चीज टू स्टेप करा के आपने थोड़ा तो आपने सिक्योर कर लिया, लेकिन अभी जो एडवांस लेवल हैकर से जो अभी कर रहे हैं बिटकॉइन वाले, वो टू स्टेप को उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। उसके लिए क्या करना है मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप बस वेट करिए 2 से 4 दिन का। अभी मैं जल्द से जल्द डालने वाला था क्योंकि मेरा 2.0 पे वो आ नहीं रहा सर्च में, 2.0 वो बहुत सारे फेक चैनल की वजह से आ नहीं रहा, इसलिए मैं उस पर डाल नहीं रहा था और मैं बिजी भी था। मुझे 2 दिन दो, मैं आपको पूरी वीडियो डाल दूंगा। और आप जरूर, अगर आप चैनल एक कंटेंट क्रिएटर है किसी भी चीज पे, इंस्टा पे हो, मतलब आपका फेसबुक अकाउंट से इंस्टा लॉगिन या फिर इंस्टा पे हो या फिर आप यूट्यूब पे कर रहे हो, ट्विच पे कर रहे हो, तो ये चीज आप जरूर करिएगा जो मैं आपको बताने वाला, उससे आपको मतलब कभी हैक नहीं होगा, ये मान के चलिए। मैं ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, इतनी सारी चीजें बताऊंगा, भले वो थोड़ा मेहनती होगा, आपको कहीं लॉगिन करना होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएगी, थोड़ा आपको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी लॉगिन करने के लिए, मतलब लगेगा टाइम। आप सिर्फ एक पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर सकते या फिर एक कोड से आप लॉगिन नहीं कर सकते, आपको 3 से 4 चीजें करनी पड़ेगी लॉगिन करने के लिए, और आपके पास हर चीज का डेटा मिलेगा भी। मर्सी, ओ ये 10 वीडियो गेट डिलीटेड इवन व्हेन वी गेट अप, मतलब सामने वी हैव टू मेल देम बैक, मेल करना पड़ता है, मेल करना होगा कि टू रिटर्न आवर अकाउंट बैक टू अस अलोंग विद द कंटेंट, तो वो कंटेंट के साथ जो अकाउंट का एक्सेसिबिलिटी दे देंगे। अमन ही हैकर मरते का, सब लोग ताली हो जाएंगे। मेन लाइन का क्या है, इतना गा रहा है क्या वो, इतना वो लाइन ही गा रहा है। अच्छा क्या है, सुट्टा पी रहा है क्या, सुट्टा सुट्टा दे 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 थोड़ी है, चुम्मा चुम्मा दे दे, हाँ हाँ ऐसा ऐसा ये वाला स्टेप अच्छा था लास्ट में, ये हमको मांगता है, हाँ ऐसा आइए। अरे भूल गया, अबे तो जो आल बाल आता है करना।